ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 मैं सामने लिखा हूं आपके। इसके अंदर देखिए वो कह रहा है कि ट्रांसफॉर्म करें फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने को कह रहा है तो उसे जितनी वैल्यूज दीजिए, ये नो वैल्यूज ये आपके सामने देख सकते हैं कि तमाम के तमाम रेडिकल वैल्यूज है। इसमें से एक एक शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल के अंदर देखिए आप के 3/4 जो है वो आपका रेडिकेंड है और इसका जो इंडेक्स है वो 2 है, तो इट मीन्स अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाऊंगा तो ये बन जाएगा 3/4 की पावर 1/2। ये तो आसान सी बात है, शुरुआत ही क्योंकि इसमें पावर 1 थी यहाँ पर और पावर 1 मैंने मान ली और इसका इंडेक्स 2 था, ये 2 यहाँ पर आ गया और ये 3/4 एज इज आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है x/y और इसकी पावर है 5 और इसका इंडेक्स है 2, तो इट मीन्स कि इसकी पावर यहां पर हो जाएगी 5/2। अब ये इंडेक्स जो है वो इस पावर का डिनोमिनेटर बन जाएगा, ये बात रही है, इंडेक्स इसकी पावर का डिनोमिनेटर बन जाएगा तो इसकी पावर भी इसकी इसका डिनोमिनेटर बन जाएगा। यहां पर पावर 1 थी 1/2 हो गया, यहां पर 5 थी ये 5/2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर इसके अंदर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा पहले, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो जब मैंने आपको बताई प्रॉपर्टीज, उन प्रॉपर्टी से जो सातवीं प्रॉपर्टी थी उसमें यह था कि अगर कोई नेगेटिव साइन है तो पहले उसको आप पॉजिटिव कर लीजिए, और पॉजिटिव करने का तरीका ये था कि आप जो भी गिवन वैल्यू है उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी कि पहले स्टेप के अंदर मुझे इसमें यह काम करना पड़ेगा कि मैं इसको पॉजिटिव वैल्यू कर दूं, लाइक दैट x/y की पावर ये हो गया 5, y/x था मैंने x/y लिया तो ये पावर इसकी 5 हो गई, और फिर जब मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाऊंगा तो x/y की पावर 5/3 हो जाएगी। 3 इसका इंडेक्स नंबर है, 5 इसकी पावर है, तो 5/3 इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पावर आ जाएगी। नीचे जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है yz की पावर 7 और इसका इंडेक्स जो है वो इसका इंडेक्स आपके सामने लिखा हुआ है 3, तो इट मींस कि yz की पावर 7/3 हो जाएगी। अगेन इंडेक्स नंबर डिनोमिनेटर में आ गया, इसकी पावर ऊपर आई और वाइज ऐसे रहा। नीचे आपके पास है 27 आपका बेस हो जाएगा और यहां पर इसकी जो इंडेक्स है वो 9 है, 27 की पावर कुछ नहीं है तो 27 की पावर 1/9 हो जाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 में अगेन एक नेगेटिव वैल्यू है और उसके ऊपर पावर है 2, तो इसको अभी हम कुछ नहीं करेंगे। अगेन ये हमारा कन्वर्ट हो गया एक्स बेस के अंदर और जो इंडेक्स नंबर था वो डिनोमिनेटर बन के आपकी एक्सपोनेंट। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 ये भी मुश्किल सवाल नहीं है, थोड़ा सा एम दे दिया है, तो आप क्या करेंगे कि 1/2 को ऐसे रखेंगे इसके पावर एम रहेगी और m/3 हो जाएगा फॉर्मूला। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 उसके अंदर है x y की पावर 3 और इसका इंडेक्स है 5, तो ये आपके पास हो गया x y की पावर 3/5। अब आप इस सवाल है ना इसके अंदर इसे थोड़ा सा आपको पेचीदगी की हुई है, इसके अंदर इसने रूट के अंदर रूट लगाया हुआ है, तो आप परेशान ना हो, पहले आप इस रूट को सॉल्व कर लीजिए फिर उसके बाद इस रूट को याद है कि ये जो बेस है इसका इंडेक्स है 3, ये महावैध रूप पे अंदर वाले रूप पे नहीं, अंदर वाले रूप पे इसका इंडेक्स है 2, तो होगा के मामले के अंदर ये सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बाहर वाला जो इंडेक्स है महावैध जो रूट है इसका इंडेक्स 3 है वो ऐसे ही रहेगा और अंदर जो है ये जब खत्म होगा तो ये 4/3 की पावर 1/2 बन जाएगा, 4/3 की पावर 1/2 और फिर इसको हम इससे इंडेक्स कर देंगे, अगेन इससे डिवाइड हम करते हैं, यहां जो पावर होती है उससे हम डिवाइड करते हैं, तो इस मीन्स कि हम क्या काम करेंगे, हम काम करेंगे ना कि 4/3 की पावर 1/2 / 3, हम ये काम करते हैं ना डिवाइड करते हैं ना इंडेक्स से। यहां पर हम काम करेंगे हमने इंडेक्स, क्योंकि हमारे पास नंबर यहां पर पावर नंबर 1/2 थी और इंडेक्स हमारे पास 3 था, तो हमने 3 से डिवाइड किया और हम 3 से डिवाइड करेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 4/3 की पावर 1/2 / 3, जब डिवाइड मल्टीप्लाई होता है तो ऐसे हो जाता है और उसके बाद आखिर में इसका आंसर आ जाएगा आपके पास, वो मैं यहां लिख देता हूं, इट विल बी 4/3 की पावर 1/6। ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज 1.3 का। जैसे हमने ट्रांसफॉर्म किया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रेडिकल फॉर्म को, इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हम ट्रांसफॉर्म करेंगे रेडिकल फॉर्म में, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देगा और हम उसकी हम रेडिकल फॉर्म बनाएंगे। ये आपके पास अब एक्सरसाइज 1.3 का
लास्ट क्वेश्चन सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ट्रांसफॉर्म करना है रेडिकल फॉर्म के अंदर। अब यहाँ पर उसने सारी आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है, तो आपने रेडिकल फॉर्म बनाना है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म बनाने के वजह से कहा कि अपॉन पावर में अपॉन इनिशियल नंबर होगा वो इंडेक्स बन जाएगा, पावर में अपॉन इनिशियल नंबर होगा वो इंडेक्स बन जाएगा, जो आपका बेस है वो आपका रेडिकल बन जाएगा, आपका बेस रेडिकल बन जाएगा, और आपकी पावर के में जो डिनोमिनेटर में नंबर है वो आपका इंडेक्स बन जाएगा। जैसे कि इस सवाल को हम देखें कि 5 की पावर 3 होल पावर 1/7, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो पहले स्टेप के अंदर मैं कहूंगा आपकी 5 की पावर जो जाएगा 3/7, ये 3 इस 1/7 से मिला होगा तो 5 की पावर 3/7 जाएगा, और फिर ये बन जाएगा आपके पास 7√5 का क्यूब, ये आपके पास इसकी रेडिकल फॉर्म बन गई। इस तरह से नीचे हम देखेंगे तो नीचे तो आसान सी बात है, बना पॉइंट से दिया हुआ है, और ये पूरा हम ए बी की पावर माइनस 2 इसको रेडिकल कर देंगे, और ये 1/3 है, तो ये लिहाजा इस 3 को हम इसका इंडेक्स बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी हम एक स्टेप थोड़ा सा कर लेंगे, मामला ही कर लेंगे आपके, हम पावर्स को पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे को मिल जाएगा 5/7 की पावर 15/7, 3/15 दैट इज, और जब हम इसको रेडिकल साइन बनाएंगे, रेडिकल फॉर्म बनाएंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास 5/7 की पावर 15, जब आपका अंदर आ जाएगा और 7 आपका इंडेक्स बन जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो है वो अगेन जो डिनोमिनेटर है वो बन जाएगा इंडेक्स, दैट इज ये 2 आपका इंडेक्स हो जाएगा, बी अपॉन ए की जो पावर बची है आपके पास दैट इज माइनस एम, वो आप इस तरह से पुट कर देंगे, ये हो गया। और यहां पर आप देखेंगे दो वैल्यूज हैं, वो दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए ये क्या बन रही है, ये वैल्यू आपकी बन जाएगी 132 ऊपर 11/12 का रहेगा 132 और नीचे 13/13 हो जाएगा, तो ये बन जाएगी आपके पास वैल्यू 132/169 की पावर 1/5, और उसके बाद आप इसको इस तरह से लिख लीजिए कि 132/169 और इंडेक्स इसका 5 है, या 1/5 की पावर देखिए, 1/5 की जब पावर हो तो अपॉन वाला नंबर जो है बन जाएगा इंडेक्स, और वो वैल्यू ऐसे चलेगी। ये आपके पास मामला हो गया एक्सरसाइज 1.3 का, ट्रांसफॉर्म कर दिया हमने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर तमाम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल वैल्यूज के अंदर। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.3 जो है उसको एंड हो रही है, एंड होती है, उसके बाद हम इसका नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह शुरू करते हैं।